यदि आप एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखिए, कहीं एक छोटी सी गलती आपको परेशानी का सामना करना ना पड़ जाए। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखिए। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिसेस क्लास। हमारे डिसेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह बात करने वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड कहते हैं, उन सारे कैंडिडेटों के लिए जो एनआईएससी कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन लाए। क्या है इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। एनआईएससी डीएलएड कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर से जरूर आप देखें। एनआईएस ने शुरू कर दिया, सभी शिक्षक अभी तुरंत स्टडी सेंटर पर जाएं। क्या शुरू किए इसी के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और क्यों हम लोग स्टडी सेंटर जाएंगे इसके भी विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि यह वीडियो किस लिए, किस मकसद से बनाए जा रहे हैं, ताकि आपको जो है हमेशा के हमेशा जो है हर वक्त जो है हरदम हेल्पफुल हो हमारा हर वीडियो। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर में आप सभी ने अपना अपना जो है पीसीपी के क्लास को कंप्लीट किए थे, उसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में यानी सेकेंड ईयर में भी आप सभी के लिए पीसीपी के क्लास को लेकर यह जो है नोटिस को जारी किए हैं। यहाँ पर इस नोटिस में जो है बता दें, यह नोटिस जो झारखंड में जो रहते हैं उन्हीं के लिए है। यहाँ पर जो है साफ साफ लिखे हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग रिलीजियन सेंटर रांची। तो यहाँ पर जो है पीसीपी को जो कंडक्ट यानी पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम डीएलएस सेशन 2018 शेड्यूल सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर के लिए जो करने वाले हैं जो झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेटों के लिए यहां पर जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं। यदि आप झारखंड से बिलोंग करते तो नीचे हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और दूसरा स्टेट से भी बिलोंग करते तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पर बात करते हैं कि आपका जो पीसीपी क्लास 15/9 से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश जो है अभी तक अपना पीसीपी क्लास को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द आज ही अपना स्टडी सेंटर पर जाए और अपना पीसीपी क्लास को अटेंड करें। तो यहां पर जो है 15/9 से स्टार्ट होने वाले, जिसमें से आपका जो है मॉर्निंग टाइप का सेशन रहेगा 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, और सेकेंड जो टाइम आपका रहेगा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 15 तारीख को जो है आपको जो है 506 और 507 के बारे में 10:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में बताए जाएंगे, और 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में जो है आपको 508, 509 और 510 के बारे में बताए जाएंगे। फिर वहीं पर अगर 16 तारीख को बात करते हैं तो 16 तारीख को जो है आपको यहाँ 507 के बारे में यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में बताए जाएंगे, और 508 में 6 यूनिट और 7वां यूनिट के बारे में यहाँ पर बताए जाएंगे। उसी प्रकार से 20 तारीख को आप जब जाइएगा तो 20 तारीख को भी आपको जो है 506 में पहला यूनिट, दूसरा यूनिट देखने के लिए मिलेंगे। 508 में जो है 12 से लेकर 13 यूनिट तक आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 21 तारीख को जब आप जाइएगा तो 507 में तीसरा चौथा यूनिट और सेकेंड सिटिंग में आपको 509 और 510 का दोनों पेपर होंगे। उसके बाद फिर आपको 22 तारीख को जाने हैं, 22 को 506 में 506 को आपका तीसरा और चौथा चैप्टर आपको यूनिट बताए जाएंगे। अगर 508 का सेकेंड सिटिंग में आपको 1, 2 और 3 यूनिट बताए जाएंगे। जब आप 23 तारीख को जाइएगा तो यहाँ पर भी 509, 510 के बारे में और 508 के बारे में यहाँ पर बताए जाएंगे। फिर 30 तारीख को 509, 510 और 506 के बारे में बताए जाएंगे। फिर 2 तारीख को जब जाइएगा तो 507 और 508 के बारे में, 6 तारीख को जाइएगा जब 6/10 आ जाएंगे यानी 6 अक्टूबर आ जाएंगे तो आपका जो 506 से लेकर 508 के बीच में बताए जाएंगे। फिर 7 तारीख को बताए जाएंगे, फिर 13 तारीख को, फिर 14 तारीख, फिर 15 तारीख, फिर 16 तारीख, देन 17 तारीख। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सारे जो है डेटेड को आप डायरी में जरूर एक बार नोटेड करके रख लें, क्योंकि ये जो डेट है बहुत ही खास डेट है जो कि आपको अपसेट नहीं करने। यदि आप सभी को पता है, यदि आपने एक भी क्लास यानी 75% अगर आप अटेंडेंट नहीं रहते हैं तो आप सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन से वंचित हो सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन आप नहीं दे पाएंगे। आप तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन तो दे सकेंगे, लेकिन आने वाले हो सकते हैं थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 25 तारीख से स्टार्ट होने वाले। और यहाँ पर बात करते हैं तो यह जो है सेमेस्टर जो है यह अक्टूबर तक का खींच रहे हैं, यानी अक्टूबर तक का जो है चले जा रहे हैं, इसीलिए सेकेंड सेमेस्टर में कोई रुकावट नहीं आ सकती, बट थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आपका रुकावट आ सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सारे डेटेड को आप जरूर एक बार देख लें, विजिट कर लें, आप देख लें इन सारे डेट को नोटेड कर लें, ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इस सेशन विल बी ऑफ 2 मतलब 2.5 घंटे का ड्यूरेशन होंगे, जो कि आप सभी को जो है यहाँ पर दिए गए हैं। हर एक सेशन जो 2.5 घंटा के लेकर यहाँ पर होंगे। तो एक बड़ी ही यह एक नोटिस जारी किए गए से खास करके उन सभी कैंडिडेटों के लिए जो झारखंड से बिलोंग करते हैं,
क्योंकि काफ़ी लोग जो है कमेंट किए थे झारखंड को लेकर के, हम लोग झारखंड में रहते हैं, हमारा जो है पीसीबी का क्लास कब स्टार्ट होंगे, तो इसीलिए उन सभी को देखते हुए, उन सभी कमेंट को देखते हुए पहले जो झारखंड के लिए बताई गई हैं, यदि आप भी अपना स्टेट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका पीसीबी का क्लास कब से किस वक्त स्टार्ट होंगे, तो नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जरूर कमेंट करके बताएं, रिलीजन सेंटर जरूर कमेंट करें, ताकि आपको हम बता पाएं कि आपका जो है पीसीबी का क्लास जो है कब से कंडक्ट किए जाएंगे, कब से आपका स्टार्ट होंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक होंगे। यदि आप रांची में यानी झारखंड से बिलोंग नहीं करते तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ताकि जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके पास यह वीडियो पहुंच जाए और उनके पास भी इसका इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। हमारा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर रख लें, ताकि आने वाला हर वीडियो देख